नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस एसेंचर आ गुड कंपनी फॉर फ्रेशर्स और नॉट। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम दोनों पर्सपेक्टिव मेंशन करने वाले हैं कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको एसेंचर ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी बहुत कंफ्यूज होते हो फ्रेशर्स मेनली कि एसेंचर है कैसी कंपनी, क्योंकि जब आप पे मल्टीपल ऑफर्स होते हो और इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स है, लाइक कॉग्निजेंट देख लो, एसेंचर देख लो, टीसीएस एंड बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम एक और चीज देखने वाले हैं, वो है व्हाट इज द एनहांस्ड सैलरी। हाँ दोस्तों, हम सभी को लेटर आता है कि भाई आपका पैकेज 4.5 का है या 6.5 का है, बट इन हैंड कितना मिलने वाला है ये हम सबको नहीं मालूम होता। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, फ्रेशर्स को तो लगता है कि भाई 4.5 लिखा है तो 4.5 ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए क्या इन हैंड सैलरी क्या होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज जरूर बता दूं, अगर आप एसेंचर की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको अपने जूनियर्स या फ्रेंड्स को बोलना है कि एसेंचर की कैसे तैयारी करनी है, तो दोस्तों आप टेक एंड टारगेट उनको रेफर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एसेंचर पर भी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल दिए हैं, तो जाकर मेरे चैनल पर देखिए। दोस्तों, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही नहीं होते, इन इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बीच ही बीच में मैं इंटरव्यू टिप्स भी देता हूँ कि कैसे आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इसे बहुत लोगों को काफी ज्यादा यूजफुल भी लगा है टेक एंड टारगेट, क्योंकि आजकल 2-3 दिन पहले ही मेरे पास बहुत मेल्स आ रहे हैं कि सर हम इसमें प्लेस हो गए, इसमें प्लेस हो गए आपकी। तो दोस्तों, अगर आपको इतनी सी भी हेल्प मिली है, प्लीज मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक एंड टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों टेक एंड टारगेट को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इफ यस, अगर एसेंचर एक अच्छी कंपनी है तो क्यों है। दोस्तों, मैं पहली बता दूं, अच्छी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, क्योंकि एसेंचर रियली में बहुत अच्छी कंपनी है और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है अगर आप एसेंचर ज्वाइन करते हो। दोस्तों, पहला पॉइंट, एसेंचर इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू गुड। हाँ दोस्तों, एसेंचर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो हर एमएनसी का होता है, भाई देखो हर एमएनसी का एज ए नहीं होता है, ना ही मैं बोलूंगा, बट आपको एसेंचर का रियली में लगने वाला है क्या कुछ अलग दिखेगा। दोस्तों, there will be a proper training of 1 to 2 months duration, can be more or less depending on the technology. हाँ दोस्तों, आपकी जो training है वो 15 days, 1 month, 2 month या 2 month से ज्यादा की भी हो सकती है, but वो डिपेंड करने वाली है टेक्नोलॉजी। क्योंकि दोस्तों, हर कोई फ्रेशर को सेम नहीं दिया जाएगा, आपको इस पर काम करना है, इस पर अलग अलग काम दिए जाएंगे, तो आपका ड्यूरेशन भी अलग हो सकता है। सपोज कीजिए, अगर आपको AI ML की ट्रेनिंग देंगे तो ऑब्वियसली यार उस पर टाइम लगने वाला है। अगर आपको सी दोबारा से रिवाइज करवाएंगे या सिखाएंगे तो यार उसमें 7 डेज भी लग सकते हैं, 15 डेज भी लग सकते हैं, बट दोस्तों मिनिमम 15 डेज होता है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, मुझे इस बार का नहीं मालूम क्योंकि इस बार सिचुएशन तो कुछ काफी ही ज्यादा अलग है इसकी वजह से, पर दोस्तों अर्लियर होता क्या था, जब एसेंचर के कैंडिडेट ज्वाइन करते तो 15 डेज का उनको होटल में रुकने के लिए मिलता था, और दोस्तों बहुत अच्छी सर्विसेज रहती थी, मींस आपकी हर कुछ आपको 5-स्टार होटल में ही सिखाया जाता था। 15 डेज दोस्तों आप होटल में रहते हो, मस्त। बट दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है अगर, बट जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग में कुछ नहीं बोल सकता, बट आगे दोस्तों, बट एसेंचर जो पहले करता था बहुत सारी अच्छी चीजें करता था। काश दोस्तों, अगर सिचुएशंस अच्छी होती है तो क्या पता है एसेंचर आपको भी बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्क प्रेशर इज नीदर हाई और नीदर लो। हाँ दोस्तों, वर्क प्रेशर एसेंचर में ना ही ज्यादा है ना ही ज्यादा कम है, मींस नॉर्मल है। आपको काम दिया जाएगा, आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि सैटरडे को आपसे काम करवा रहे हैं, संडे को काम करवा रहे हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको काम दे ही नहीं रहे। सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों आपको एसेंचर में। एसेंचर विल गिव यू अ क्विक ज्वाइनिंग एंड इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट वर्किंग एज सून एज पॉसिबल। हाँ दोस्तों, पहले बहुत टाइम से देखा जा रहा है एसेंचर हमेशा बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे देती है, और ये बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिलती है उतनी जल्दी हमें चांस मिलता है चीजों को सीखने का, चीजों को एक्सपीरियंस करने का। बट इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, तो बहुत जगह लाइक नॉर्थ साइड में मेनली एसेंचर की ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हुई है।
तो दोस्तों नेक्स्ट है, एसेंचर इज स्प्रेड अक्रॉस मेनी सिटीज सो इट इज इजी टू रिलोकेट नियर योर प्लेस। हाँ दोस्तों ये सोचिए, एसेंचर हर जगह फैली हुई है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट, हर जगह। अगर आप साउथ के हो तो आप साउथ की लोकेशन ले सकते हो, अगर आप नॉर्थ के हो तो आप नॉर्थ की लोकेशन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ का बंदे को साउथ में जाना है, साउथ के बंदे को नॉर्थ में जाना है। मीन्स इट इज वेरी इजी टू रिलोकेट, बहुत आसानी से आप रिलोकेट कर सकते हो एसेंचर में दोस्तों। नेक्स्ट है, इट्स अ ब्रांड नेम सो इट विल बी हेल्पफुल इन स्विचिंग टू योर नेक्स्ट जॉब। हाँ दोस्तों एसेंचर एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो अगर आप आगे चलकर कोई भी नेक्स्ट जॉब के लिए जाते हो और आपके रिज्यूमे में लिखा होगा वर्क एक्सपीरियंस इन एसेंचर, आपने अगर 1 या 2 साल भी काम किया है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों ये एक ब्रांड नेम है और एक बहुत अच्छी कंपनी भी है, जहां आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है चीजों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है, यू विल बी असाइन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जस्ट आफ्टर योर ट्रेनिंग। हाँ दोस्तों मेनली 90-95% लोगों को प्रोजेक्ट मिल जाता है जस्ट आफ्टर ट्रेनिंग, बट दोस्तों ट्रेनिंग में भी कुछ टेस्ट करवाते हैं जो हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है। आईटीएस सीएसई ब्रांच के हर कोई कर लेता है, बट नॉन आईटी नॉन सीएस के बच्चे नहीं कर पाते हैं। बट दोस्तों ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, बट ये कहीं ना कहीं रीटेस्ट भी करवाते हैं, और जो लोग पहले बार में टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों एसेंचर की साइड से। नेक्स्ट है, वर्क कल्चर इज वेरी गुड। वर्क कल्चर दोस्तों एसेंचर में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कि एक तो वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां जो लोग होते हैं, जैसे आप टीसीएस देखोगे, टीसीएस हायरिंग बहुत ज्यादा करता है, एसेंचर भी करता है, आई एग्री, बट दोस्तों एसेंचर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स लेता है, टीसीएस कहीं ना कहीं भीड़ भी ले लेता है, मीन्स क्राउड, जिसमें आपको अपनी अप्रिसिएशन भी दिखेगी, आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है। दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं जब टीसीएस की बात इतनी कर ही रहा हूं, तो दोस्तों एक बात पहले ही बता दूं, मैंने टीसीएस पर 3 वीडियो बना दिए हैं अभी तक, इज इट वर्थ ज्वाइनिंग टीसीएस एज अ फ्रेशर, एक दोस्तों हमने बनाई है जिसमें मैंने टीसीएस की सैलरी का हाइक बताया कि कैसे टीसीएस सैलरी हाइक होती है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, और कैसी ग्रोथ होने वाली है आपकी टीसीएस में। और दोस्तों एक अपने लास्ट में वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिफरेंस क्रिएट किया है टीसीएस वर्सेस कैपजेमिनी वर्सेस कॉग्निजेंट, तो दोस्तों ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों टीसीएस हम में से बहुत लोग प्लेस हो जाते हैं या हो गए अभी तक, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि टीसीएस एक्चुअली है कैसी कंपनी, क्योंकि हम सबके माइंड में बस एक ही चीज होती है, रतन टाटा। भाई टीसीएस के नाम से सबके दिमाग में ही आता है रतन टाटा तो सबसे अच्छी कंपनी होगी इंडिया की, ये सब। तो भाई एक बार देख लीजिए टीसीएस की रियलिटी, तो ये वीडियोस में जरूर प्रेफर करूंगा, तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट है, एसेंचर इज डेफिनेटली बेटर वेन इट कम्स टू अप्रेजल्स। अप्रेजल्स इज हाई एज 45% एंड हैव नॉट सीन इट गोइंग लोअर देन 12%। दोस्तों ये बात तो मैं जरूर कहूंगा, एक बार आप एसेंचर ज्वाइन कर लीजिए, सैलरी का पहले ही एज अ फ्रेशर आपको स्टार्टिंग में कुछ कम लगेगा, बट आई एम श्योर आपको बाद में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में बहुत सारे आपको इंसेंटिव्स भी एसेंचर प्रोवाइड करता है, ज्वाइनिंग बोनस प्रोवाइड करता है, और दोस्तों यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कैंडिडेट को अच्छी लगती है। अगर दोस्तों आज हम कोई वर्क करते हैं अच्छा और हमें अप्रिसिएशन मिल जाता है एज अ बोनस, कहीं हमें रुपए दे देते हैं तो हमें अच्छा लगने लग जाता है, यार यही सब चाहिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर हम सब यही चाहते हैं, पहला साल है हम रुपए कमाएंगे और हम सब अपने फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों एसेंचर इन सब चीजों पे अपने कैंडिडेट्स का, अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान देता है। अब दोस्तों अब डिस्कस करने वाले हैं इफ नो, अगर एसेंचर एक अच्छी कंपनी नहीं है तो क्यों नहीं है। दोस्तों इसमें मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, मैंने हर जगह हर किसी से कोशिश की, पर पता नहीं क्यों मुझे तो एसेंचर हर जगह से अच्छी लग रही है। पहला पॉइंट है, नो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी फॉर इनिशियल 4-5 ईयर्स फॉर फ्रेशर्स, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। हाँ दोस्तों एसेंचर में एक बात है, अगर आप 4-5 साल भी काम करते हो एज अ फ्रेशर, फॉर फ्रेशर्स लाइक स्टार्टिंग में आपको 4-5 साल हो गए, आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज मीन्स दूसरी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करता, एक्सेप्शनल केसेस जहां बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हो, क्योंकि यार कभी कभी डिपेंड क्या होता है, सपोज करो मेरे को और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने एसेंचर ज्वाइन की, भले ही वो मुझसे अच्छा था, बट एट दैट टाइम जब हमने एसेंचर ज्वाइन की जो प्रोजेक्ट था वो मुझे अच्छा मिल गया, जो मैं वो हूं जो मैं अच्छा नहीं हूं, मतलब
स्टडीज में, और मेरा फ्रेंड स्टडीज में बहुत अच्छा है, और जो उसको प्रोजेक्ट मिला है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अब मुझे प्रोजेक्ट अच्छा मिला है, मैंने उस पर काम किया, बहुत कुछ सीखा, उसका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं था तो वो ज्यादा कुछ नहीं सीख पाया, तो कहीं ना कहीं मैं उससे ऊपर चला गया। अब एसेंचर जब हम दोनों को अपॉर्चुनिटी देगा तो कहीं ना कहीं वो मुझे करने वाला है प्रेफर। तो दोस्तों एसेंचर या फिर हर कोई कंपनी में जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसी के बेसिस पे मिलती है कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रखे हैं, अब हमें कितना आता है और क्या क्या जानते हैं। तो यार कोशिश कीजिएगा, अगर आपको एसेंचर में प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे तो यार वापस जाइए, अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स लगाइए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात और, आपको 4-5 साल वेटिंग क्यों करना है ऑनसाइट अपॉर्चुनिटीज के लिए? अगर आप 2 साल भी काम कर लोगे ना एसेंचर में, फिर उस कंपनी को स्विच कर लीजिए, नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास एसेंचर का टैग तो हो ही जाएगा, आपके रिज्यूमे में एसेंचर का टैग हो जाएगा कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है एसेंचर का, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है एसेंचर की साइड से। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है लिमिटेड और नो वर्क फ्रॉम होम। हाँ दोस्तों एसेंचर प्रेफर नहीं करता वर्क फ्रॉम होम, ये तो इस सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन है, जहां मतलब करना पड़ रहा है, अदरवाइज दोस्तों एसेंचर वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। कोविड-19 ने तो दोस्तों हर कंपनी को कह दिया है, मींस वो अगर चाहते भी नहीं होंगे तो जब भी उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अदरवाइज एसेंचर बिल्कुल प्रेफर नहीं करता है, तो लिमिटेड प्रेफर करेगा, बहुत 1-2 दिन के लिए आपसे बोल देगा, अदरवाइज बिल्कुल भी वर्क फ्रॉम होम नहीं बोलने वाला। अब दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सैलरी क्या होने वाली है इन एंड। दोस्तों उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को अपने चैनल के बारे में कुछ बता दूं। दोस्तों मैं अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर डेली इंटर्नशिप अपडेट, जॉब अपडेट्स डालता रहता हूं। जैसे आप दोस्तों देख सकते हो, मैंने अभी एक जॉब अपडेट डाला था एटॉस का, फिर एक हैकर की इंटर्नशिप डाली थी। अगर आपने इनमें अप्लाई नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इनमें अप्लाई कर लीजिए। और दोस्तों आप इसी के साथ साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी डालते हैं। दोस्तों ये सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही होते हैं, इसमें मैं बीच बीच में इंटरव्यू टिप्स भी देता हूं। और दोस्तों मैं ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डालता हूं, TCS के देख लीजिए, Capgemini के देख लीजिए, Accenture के देख लीजिए, Infosys के देख लीजिए, दोस्तों हर बड़ी बड़ी MNCs के हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी क्या होने वाली है, व्हाट विल बी माय इन हैंड सैलरी इफ CTS इज 4.5 लाख एट Accenture। हाँ दोस्तों ASC रोल जो ASC में सेलेक्ट हुए हैं वो लोग 4.5 LPA सोच रहे होंगे, आप उनके उनके दिमाग में तो भाई सीधा होगा भाई जैसी ज्वाइन होंगे 40,000 रुपए मिलने वाले हैं, 40,000-45,000 ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इनिट सैलरी होने वाली है 32K। हाँ दोस्तों इसके साथ दोस्तों इंसेंटिव्स भी होते हैं बहुत सारे, ऐसा मत सोचिए सैलरी कम है, बट ऐसा प्रेशर अगर आपको इतना पैकेज मिल रहा है तो दोस्तों इसके साथ सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि अदर कंपनीज अगर आप बाकी कंपनीज देखते हो तो उसके कंपैरिजन में एसेंचर का बहुत ज्यादा पैकेज है। दोस्तों अब नेक्स्ट है व्हाट विल बी माय इनिट सैलरी इफ CTS इज 6.5 लाख एट एसेंचर। हाँ दोस्तों अगर आपका 6.5 लाख है ऐसी रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल पर हो आप एसेंचर पर, तो आपका इनिट होने वाला है 44-46K। दोस्तों ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर आप ASC पर सेलेक्ट हुए तो मैं समझता हूँ 1-2 साल बाद आप ऐसी रोल पर शिफ्ट हो जाओगे जहां आपको भी 44-46K मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था पूरा एसेंचर की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्या एसेंचर अच्छी कंपनी है अभी। अब दोस्तों लास्ट में अगर आप सजेशन मांगोगे कि अगर एसेंचर को और कोई MNC से कंपेयर करोगे तो भाई मैं जरूर बोलूंगा एसेंचर को ही चूज करना, बट अगर आप पर अभी भी टाइम है एसेंचर की ज्वाइनिंग नहीं आई है तो कोशिश कीजिए दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप एसेंचर का 6.5 का पैकेज है तो भाई सेटिस्फाइड रहिए, अगर 4.5 का तो कोशिश कीजिए और कोई कंपनी में अप्लाई कीजिए जिसका 6-6.5 पैकेज हो, क्योंकि यार हम सबको लगता है कि स्टार्टिंग में 6 या 6.5 का पैकेज लग जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टार्ट हो जाती है एज अ फ्रेशर। तो दोस्तों ये थी पूरी एसेंचर की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, और दोस्तों ये हमारा चैनल टेक एंड टारगेट जिस पर हम सारी डिटेल डालते रहते हैं डिफरेंट कंपनीज की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।